नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। हवर यूपी के मऊ जनपद से है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कोपागंज ब्लॉक में आखिरकार जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध विजयी कराया। आपको बता दें, कोपागंज ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामकरण चौहान द्वारा शुक्रवार को अपना पर्चा वापस लेने के बाद अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जयप्रकाश साहनी को विजयी होने का प्रमाण पत्र सौंप दिया। ऐसे में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी कराने के लिए मनोज राय, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो लगे हुए थे, और ऐसे में कोपागंज ब्लॉक से उन्होंने प्रत्याशी को निर्विरोध कराया। इस दौरान जैसे ही भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध हुए, जश्न का माहौल रहा। अबीर गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को, समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्लॉक प्रमुख कौन दावेदार आपकी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर जयप्रकाश साहनी जी प्रत्याशी थे हम लोगों के, और आज इनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। जीतने के बाद अपने क्षेत्र का, अपने ब्लॉक का किस तरह से विकास कार्य करेंगे? देखिए, डॉक्टर साहब एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और सन 2000 में मैं जब ब्लॉक प्रमुख हुआ था तो उस दौरान ये क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुने गए थे, और सन 2000 से आज 21 वर्षों तक हमेशा सामाजिक कार्यों में इनकी गतिविधियाँ रही हैं। साथ साथ हम लोगों को मिलकर काम करने का अनुभव है, और हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि जिस आशा, विश्वास और उम्मीद के साथ कोपागंज के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपना प्रतिनिधि इनको चुना है, अपना अध्यक्ष चुना है, उनके आशाओं के अनुरूप हम लोग सर्वांगीण विकास करने का कार्य करेंगे।